जय श्री कृष्णा आप सभी लोग को। यह तुलसी जी की माला है, आप लोग देख सकते हैं। तुलसी जी की माला ऐसी भी होती है जो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, नारायण को विशेष रूप से पसंद है। तो यह तुलसी जी की माला है, आप लोग देख सकते हैं। इतना बड़ा माला है ये तुलसी जी की माला, और आप लोग देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बेहतरीन डिजाइनिंग है इसकी। मैं इसकी पूरी डिजाइनिंग मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह तुलसी जी की माला है, और तुलसी जी का जो पौधा होता है उससे यह माला बनाई गई है। इस और यह माला आपको वृंदावन से ख़रीदा गया है। वृंदावन में आपको माला मिल जाएगा। जो भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, वह तुलसी जी की माला को विशेष रूप से धारण कर सकते हैं। देख लीजिए इस पर लिखा है सीताराम ही लिखा है ना, इस पर सीताराम लिखा हुआ है। और बहुत ही बढ़िया इस पर नक्काशी की गई है। कुल यह आपको 1150-1150 में वृंदावन में मिल जाएगा। और यह आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा माला है। तो यह आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा और बहुत सुंदर लग रहा है। गली में धारण करना चाहिए, पूजा के वक्त आप धारण कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए मित्रों, एक और सूचना आप लोग को देनी है, जानकारी देनी है। ये तुलसी जी की जो चमत्कारिक माला है, अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप सरसों के तेल में आप 24 घंटा आप लोग इसे भिगो कर रखिए, 24 घंटा भिगो कर रखिए। उसके बाद आप इसे निकालिए और इस पर पूरी तरह से हल्दी का लेप कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे धारण कर सकते हैं। पूजा के वक्त भी आप धारण कर सकते हैं। जब आप भगवान नारायण की पूजा करते हों, कृष्ण जी की पूजा करते हों, राम जी की पूजा करते हों, तो आप धारण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी को पूजा पाठ करते हैं, एकादशी के दिन विशेष रूप से फलदायी होता है इस माला को धारण करने का। तो इस माला को धारण कर सकते हैं। यह आपको 1100-1200 जैसा भी होगा, मुझे जो जानकारी मिली है 1100 में यह जानकारी, यह माला मिला है वृंदावन से। तो आप लोग भी खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया नक्काशी हुई है, और बहुत ही बढ़िया आप लोग देख सकते हैं। तुलसी जी की माला, तुलसी जी के पौधे से भी इतनी सुंदर माला बनाया जा सकता है, ये अपने आप में बहुत ही विशेष बात है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।